अपने इलाके से खास वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक क्लिक कीजिए। ललितपुर जिले के बार ब्लॉक में एक पिता ने अपनी 3 बच्चियों की हत्या कर दी है 13 नवंबर को। गांव वालों का कहना है कि वो उसका कहना था कि हमारे पास बहुत कर्जा है और हमारी 5 बेटियां हो गई, हम उनकी शादी कहाँ से करेंगे। इसलिए उसने रात में अपना दरवाजा बंद करके पहले उसे लड़कियों को हथौरा से मारा पीटा है, फिर कम्बल में लपेट के और आग लगा दी है और उसी के साथ गैस भी जला दिया, क्योंकि लोगों से वो कह सके कि गैस लगने से हमारी बच्चियां जल गई हैं। उसने अपने बचाव के लिए गैस जलाया है और मकान में भी आग लगा दी थी। उसके घर में और कोई नहीं था, एक बूढ़ी माँ थी उसी की, उसको दिखता नहीं था और सुनाई भी कम देता है। इसलिए जब लोगों को बदबू आई जलने की तो गांव वाले दौड़े। आपके साथ कितने दिन से मारपीट कर रहे हैं? करते रहे बहुत साल से, लेकर उनकी बात तो ध्यान ही तो नहीं रखा थी। हम चले गए थे कि चलो थोड़ी दिन शांति हो जाए, नहीं आ जाती तो घर आ जाए, तो भग गए थे बच्चे ले जा रहे थे। मारपीट पहले बड़ी बच्ची की माने ख़त्म कर दी उसको वसूला से, माने पूरी खुपड़िया फोड़ दी, पूरी खुपड़िया फूटी उसको, उसे फोड़ के वो बच्ची ख़त्म कर दी। बच्ची अंदर डी लेन दी, फिर एक बच्ची में और दई, पा गई चोट हमारे सिर में, एक बच्ची का कोई चोट नहीं है, एक बच्ची का पूरा मुंह जला है और हाथ पाँव भी जल गए। वो बच्ची ने यानी गुदी मस्की के माने वो गैस से तो क्या तीनों बच्चियां खत्म हो गई? तीनों बच्चे खत्म। पहले से क्या लड़ाई झगड़ा होता था? लड़ाई थी कि बहन के 5 बच्चे हुए, बोले बच्चा का नहीं रहा, जो लड़ाई तो घर पे थी गांव के हुआ। तो यहाँ से फोन गया 6 बजे कि राव वसूला से मोड़ी मार गई तो मैं खत्म हो गई, तो ये पेट्रोल निकाल के आग लगाई है। तो मैं सुबह जीवत है, मेरे एम्बुलेंस से माल में रोनी ले गए, तो ये सुन के हम सुबह निकले आए। फिर उसके बाद में फिर दोबारा फोन गया, तो मैंने बताया कि भाई तीनों ख़त्म हो गए और ललितपुर आ जाओ, इनका पीएम होना है। तो हम लेट पहुँचे, 12 बजे ललितपुर पहुँचे, कोई निजी साधन तो था नहीं, पहले साधन से लेट हो गए। किस तरह से मारपीट की है? कैसे मारपीट करी? कैसे मारा पीटी? हम तो कहीं जो डंडा आया ना, यहाँ तो एकदम सोए थे, तो हमने कहीं डंडा आया ना, हमने नहीं दिखा ना, जब तो नीचे पुलिस के घर भाव लगा होता से हम बाहर आए थे ना, फिर नहीं आ गई था। कितने समय उनने आग लगाई है? 3 आग बाजे हैं। हाँ, तीन बाजे हैं। आग तो लगाई 4 बजे रहती है। 4 बजे तो खत्म कर दिया ना। 4 बजे तो हाँ करेगा। हम सो रहे थे, सो आग लगाई थे, सो झंडा छुट्टी सो आँख खोली हमारी, सो फिर हमने जगा, सो फिर सो आँख खोल के फिर मकान में आग लगी, सो बस फिर दौरे सब रह ना हल्ला था, सो फिर याद दो बच्ची 3 मर गई। ठीक है, कहाँ हल्ला कहाँ था? अपने नंबर पे कौन कहाँ था? अपने नंबर क्या पहले से मारपीट करते थे क्या? इसकी पति पत्नी आए दिन परेशान रहती थी, मानता नहीं था, दारू पी के उत्पात मचाता था, मानता पीता था। दीपावली के 2 दिन पहले ये मायके चली गई बड़ी 2 बच्चियों को लेके, इसने मना किया होगा तो पत्नी ने कहा तुम दारू पियो खूब और मैं जा रहा हूँ मायके, तो वो मायके चली गई। उसके बाद 2-3 बच्चियों को छोड़ गई 4 साल की, 7 साल और 11 साल की, 3 को छोड़ गई, अकेला ये था, वो अपने मायके चली गई 2 बच्चियों को लेके बड़ी वाली। उसके बाद इसने दारू पी, परसों की बात है, हमें को दारू काफ़ी पीता था, दारू पीने के उपरांत इसने रात में 5 बजे जगा
इसने 4 बजे जगा, इसने अपनी बच्चियों को हथौड़ा से, हथौड़ा रखा था उसने, वसूली हथौड़ा ही होता है, वसूली वसूला, उससे तीनों बच्चियों को चोट पहुंचाई उसी से, सर में यहाँ जहाँ भी मारा, मरणासन्न अवस्था में हो गई। उसके बाद इसने सिलेंडर में आग लगाई, जब आग नहीं लगी तो उसने बॉल खोल दी, आग लगा के बॉल खोल दी उसकी रीड खोल कर, वो उसमें लग गई घर में। नहीं, पहले उसने तेल डाला, में डीजल था एक डिब्बे में, डीजल लैंप में तेल नहीं था, उससे नहीं आग लगी, तब उसने सिलेंडर में लगाया, सिलेंडर में कब लौ निकली, उसने पाइप खोल लिया रेगुलेटर से, उससे उसकी लौ से पूरी जल गई। उसमें इसका मुकदमा पंजीकृत किया गया इसके खिलाफ 302 IPC में हत्या में, चालान करके जेल।